हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल तुलसी शर्मा। और आज मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ मेरा दुर्गा पूजा मेकअप। और ये मेकअप मैंने कैसे किया है, किन प्रोडक्ट से क्रिएट किया है, आप देख सकते हैं आगे के वीडियो में। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें, जिससे आप नवरात्र में एक ट्रेडिशनल लुक क्रिएट कर सकें। तो अगर मेरा वीडियो हेल्पफुल रहे, पसंद आए, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की वीडियो की तरफ और देखते हैं मेरा मेकअप मैंने कैसे क्रिएट किया है। तो फ्रेंड्स, मैंने फेस वॉश कर लिया है और मॉइस्चराइज़र भी मैं लगा चुकी हूँ। और अब मैं लगाऊंगी क्राइलॉन का मेरा प्राइमर। और जहाँ हमारे पोर्स ओपन पोर्स होते हैं, वहाँ हमें सबसे पहले अप्लाई कर लेना है, थोड़ी थिक लेयर अप्लाई कर लेनी है। और उसके बाद हमें अपने पूरे फेस पर अप्लाई कर लेना है। अब प्राइमर के बाद मैं यूज़ करूँगी यहाँ पे वेट एंड वाइल्ड का प्राइमर। ये थोड़ा डुई फिनिश देता है फ्रेंड्स, इल्यूमिनेटर का काम करता है। अगर आपके पास ये नहीं है और तो आप इल्यूमिनेटर भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके पास इल्यूमिनेटर भी नहीं है फ्रेंड्स, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। आप देख सकते हो इसे यूज़ करने के बाद फेस कितना शाइनी लगने लगता है। और अब मैं यूज़ करूँगी कलर एसेंस का केक फाउंडेशन। आपके पास जो भी फाउंडेशन हो आप यूज़ कर सकते हो। मेरा ये फाउंडेशन कंसीलर और फाउंडेशन दोनों का ही काम करता है फ्रेंड्स, और काफ़ी अच्छा कवरेज है इसका। इसे फिंगर की हेल्प से डॉट डॉट करके अप्लाई कर लेते हैं, उसके बाद इसे स्प्रेड भी करते जाते हैं साथ के साथ, वरना ये एक जगह स्टिक हो जाता है। तो इसको फिंगर टिप की हेल्प से मैं डॉट डॉट करके लगा रही हूँ और साथ के साथ स्प्रेड भी कर रही हूँ। अंडर आई एरिया पर मैं एज अ कंसीलर इसको लगा ले रही हूँ। मैं आईलेड एरिया पर भी लगा लूँगी इसे। आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा कवरेज है फ्रेंड्स इसका। अब मैं अपने पूरे नेक पर भी इसे अप्लाई कर लूँगी, जिससे फेस और नेक में कोई डिफरेंस नज़र ना आए। अब मैं एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से डैब डैब करके अपने फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। हमारे पास एक ब्यूटी ब्लेंडर फ्रेंड्स ज़रूर होना चाहिए। इससे जब हम अपने फाउंडेशन को ब्लेंड कर लेते हैं अच्छे से, तो हमारा जो मेकअप है वो लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है, केक ही नहीं होता और काफ़ी फ्लॉलेस लगता है। जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है फ्रेंड्स, वो भी इसकी हेल्प से निकल जाता है। तो मैंने अपना मेकअप सेट अपना फाउंडेशन अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। और अब मैं यूज़ करूँगी कंसीलर, और कंसीलर है मेरा NYB का। तो इसको अपने अंडर आई एरिया पर और आईलिड एरिया पर, और जो भी पॉइंट्स मुझे हाईलाइट करने हैं उन पर, और या फिर जो हमारे डार्क सर्कल हैं उनको हाइड करने के लिए हम कंसीलर को यूज़ कर लेंगे।
और अब हम अपने मेकअप बेस को सेट कर लेंगे एक कॉम्पैक्ट की हेल्प से, और ये कॉम्पैक्ट है मेरा पर्पल का। जहाँ जहाँ हमने कंसीलर अप्लाई किया था सबसे पहले हम वहाँ सेट करेंगे अच्छे से। और अब मैं अपने आईब्रोज़ को फिल करूँगी फ्रेंड्स, और उसके लिए मैंने लिया है क्लामी का आई लाइनर, और इसमें ऊपर साइड में ये आईब्रो फिल करने के लिए एक पाउडर दिया होता है, ये शेड है ब्लैक, और आपके पास अगर ब्राउन है तो आप ब्राउन भी यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। मैं इसे फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ, काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। अगर आप चाहें तो इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप देख सकते हैं इजी टू अप्लाई है। आईब्रोज़ को हमें हमेशा एक नेचुरल शेड में ही फिल करना चाहिए, एक्स्ट्रा नहीं करना चाहिए, एक्स्ट्रा थिक करके थोड़ा ऑकवर्ड फील होने लगता है। और अब मैं दोबारा से एक फाउंडेशन लूँगी एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से, और उसको अप्लाई कर लूँगी अपने आईब्रोज़ के नीचे और ऊपर की साइड में, जिससे मेरे जो आईब्रोज़ हैं वो थोड़े से हाईलाइट हो जाएँ और क्लियर दिखाई दें। आप देख सकते हो जब मैं अप्लाई कर लूँगी तो अभी डिफरेंस, और तब जब मैं अप्लाई कर लूँगी तब आप डिफरेंस देख सकते हो। अब मैं फिंगर टिप की हेल्प से अच्छे से डैब डैब करके पहले सेट कर लूँगी, और फिर ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से भी इसे अच्छे से सेट करूँगी जिससे ये क्रीज ना हो। अब इसे मैं सेट कर लूँगी। हमें अपने मेकअप को सेट करना बहुत ज़रूरी होता है फ्रेंड्स, हमें ज़रूर सेट करना चाहिए लूज़ पाउडर या किसी कॉम्पैक्ट की हेल्प से, जिससे हमारा मेकअप क्रीज ना हो, अदरवाइज़ मेकअप क्रीज होने लगेगा। और अब मैं करूँगी आई मेकअप, और आई मेकअप के लिए सबसे पहले मैं पिक कर रही हूँ डार्क ब्राउन शेड, और जो मैं अप्लाई कर रही हूँ क्रीज लाइन पर। और अब मैंने लगा लिया है फ्रेंड्स टेप, और इस टेप को लगाने से ये बेनिफिट होता है कि हमारा जो आई मेकअप है वो बाहर नहीं निकलता है, जो भी आई मेकअप का अपना एक एरिया है वहाँ तक ही रहेगा। तो आप अगर बिगनर हैं तो आप इस टाइप से सेलो टेप या इस टाइप का टेप आप यूज़ कर सकते हैं। मेरा सेलो टेप मुझे नहीं मिला था तो ये रखा हुआ था, मैंने यही यूज़ कर लिया। तो आपके पास जो भी टेप है आप इस टाइप से उसे लगा लें, जिससे आपका आई मेकअप है वो ज़रा भी बाहर नहीं निकलेगा,
बड़ा ही क्लियरली आप उसे लगा सकते हो। और प्रोडक्ट लेने के बाद जो मैं अपने ब्रश को डैप कर रही हूँ फ्रेंड्स, वो इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट ब्रश में आ जाता है तो वो निकल जाए। और अब मैं ले रही हूँ ब्लैक कलर और इसे पीछे की साइड से अप्लाई करना शुरू करूँगी फ्रेंड्स। अब एक फ्लफ़ी ब्रश लेके मैं पूरे मेकअप को अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। हमें आई मेकअप को ब्लेंड करना बहुत ही ज़रूरी होता है, वरना ये थोड़ी देर बाद जब क्रीज़ होने लगता है फ्रेंड्स तो बहुत ही बेकार लुक आता है। तो आप अपने आई मेकअप को अच्छे से ब्लेंड ज़रूर करें। अब मैंने पिक किया है रेड कलर अपने आईलिड एरिया पर, अच्छे से अप्लाई कर लूँगी और ब्लेंड करूँगी। अब मैं क्लामी का जो आईब्रो पाउडर है उसे यूज़ करूँगी, उसे थोड़ा डार्क शेड आ जाएगा फ्रेंड्स। अगर आपके पास आपके आई शेडो पैलेट में कोई डार्क मैट कलर नहीं है तो आप अपने काजल पेंसिल को या डार्क आईब्रो पेंसिल को उसे भी यूज़ कर सकते हो। तो डार्क शेड के लिए मैंने आईब्रो पाउडर यूज़ किया है यहाँ पर। अब मैं एक फ्लफ़ी ब्रश की हेल्प से इसे ब्लेंड भी करती जाऊंगी। दूसरी आंख पर भी हमें सेम प्रोसेस करना है। आप देख सकते हो आई मेकअप कंप्लीट हो चुका है फ्रेंड्स। अब मैं अप्लाई करूँगी आई लाइनर। ये जेल आई लाइनर है तो मैं इसे ब्रश की हेल्प से अप्लाई कर रही हूँ। काफ़ी अच्छा आई लाइनर है फ्रेंड्स, ये क्लामी का आई लाइनर है, काफ़ी अच्छा है। इसे मैंने purple.com से परचेज़ किया है। काफ़ी ईजी टू अप्लाई है फ्रेंड्स।
अगर आपको जेल आईलाइनर्स पसंद हैं तो आप इसे भी परचेज़ कर सकते हो। आईलाइनर मैं लगा चुकी हूँ। अब मैं ये टेप रिमूव कर दूँगी जो मैंने लगाए थे आई मेकअप के लिए। आप देख सकते हो कितना क्लियरली मेरा आई मेकअप हुआ है, कहीं से भी बाहर नहीं निकला है। तो आप भी इस टाइप से टेप यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने फेक आईलैशेस और काजल अप्लाई कर लिया है फ्रेंड्स, तो आप मेरा आई मेकअप देख सकते हो। और अब मैं करूँगी कॉन्टोरिंग, और कॉन्टोरिंग के लिए मैंने यूज़ किया है वेट एंड वाइल्ड का कॉन्टोर स्टिक। काफ़ी अच्छा स्टिक है, अगर आपको कॉन्टोर करना पसंद है तो आप ये स्टिक यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। काफ़ी ईजीली अप्लाई हो जाता है और फिंगर की हेल्प से ही आप इसे ब्लेंड कर सकते हो, ब्रश की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आपका फोरहेड मेरी तरह ब्रॉड है तो आप फोरहेड पर भी कॉन्टोरिंग कर लें, और फोरहेड आपका ब्रॉड नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो। आप देख सकते हैं मैं फिंगर की हेल्प से ही इसे ब्लेंड कर लूँगी और काफ़ी ईजीली ये ब्लेंड हो जाएगा। अब मैं कॉम्पैक्ट की हेल्प से इसे थोड़ा सा सेट कर लूँगी फ्रेंड्स, क्योंकि ये थोड़ा क्रीमी बेस्ड है तो हल्का सा हम इसे सेट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट नहीं लगाना है हमें, बहुत ही हल्का सा सेट कर लेना है कॉम्पैक्ट की हेल्प से। और अब मैं यूज़ करूँगी ब्लश, और ब्लश है मेरा ब्लू हेवन का। अगर आप कोई चीपेस्ट ब्लश देख रहे हैं फ्रेंड्स तो ये काफ़ी अच्छा ब्लश है, आप इसे ट्राई कर सकते हैं। ब्लश अप्लाई कर चुकी हूँ फ्रेंड्स, और अब मैं यूज़ करूँगी लगाऊँगी हाइलाइटर। मैं अपने आईब्रोज़ के नीचे अपने फिंगर की हेल्प से हाइलाइटिंग कर लूँगी। आपके पास ब्रश नहीं है तो आप फिंगर की हेल्प से भी हाइलाइटिंग कर सकते हैं। अब मैं अपने नोज़ को हाईलाइट करूँगी और अपने चीक्स को हाईलाइट करूँगी। हम ब्लश यूज़ करते हैं उससे जस्ट ऊपर हमें हाइलाइटिंग करनी होती है अपने चीक्स पर। लिप्स के ऊपर और चिन पर हमें थोड़ी सी हाइलाइटिंग करनी है, हमने करी है, और अपने फॉरहेड को भी हम थोड़ा सा हाइलाइट कर लेंगे। आपको भी इन्हीं पॉइंट्स को हाइलाइट करना है फ्रेंड्स। मैं आई इनर कॉर्नर को भी हाईलाइट करूँगी, और इसके लिए मैंने यूज़ किया है एक पतला छोटू सा ब्रश। अगर आपके पास कोई छोटा पतला ब्रश नहीं है तो आप अपने ड्राइंग के भी किसी ब्रश को यूज़ कर सकते हैं। अब मैं एक ब्रश की हेल्प से सेट कर लूँगी, जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होगा वो निकल जाएगा। आप देख सकते हो,
और अब हम लगाएंगे लिपस्टिक। और लिपस्टिक के लिए मैंने लिया है स्टिक वकी का मिनी लिपस्टिक। ये काफ़ी अच्छी लिपस्टिक हैं फ्रेंड्स, और 400 में आपको 12 शेड्स मिल जाते हैं, और ये मैंने परचेज़ किए हैं purple.com से। और इसके ऊपर से मैं लगाऊंगी नायका का मिनी लिक्विड लिपस्टिक, और इसे लगाने के बाद आप देख सकते हो शेड टोटली चेंज हो जाएगा, रेड ही रहेगा लेकिन कितना प्यारा सा रेड हो जाएगा आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये है मेरा फाइनल लुक, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ये वीडियो आप लोगों के लिए कितना हेल्पफुल रहा नवरात्र मेकअप में प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन ज़रूर कर दीजिएगा जिससे मेरे वीडियोज़ के सारे नोटिफिकेशन रेगुलरली आपको मिलें और आप मेरे वीडियोज़ को रेगुलर देख पाएँ। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।